नमस्कार, भक्ति टॉप 20 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रणजीत कुमार। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं धर्म और आध्यात्म जगत से जुड़ी हुई आज की 20 बड़ी गतिविधियों के बारे में। आज पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 1908 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 15,000 से ज्यादा महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाते हुए मार्च किया था। उसके ठीक एक साल के बाद 1909 में अमेरिका की सोशलिस्ट पार्टी ने महिला दिवस मनाने की घोषणा की थी। हरियाणा के हिसार स्थित तिरुपति बालाजी धाम में 13 मार्च को होली मिलन महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान शाम 3 बजे से 6 बजे तक भजन संध्या का आयोजन होगा और उसके बाद फूलों की होली खेली जाएगी। गुजरात के व्यारा वन विभाग ने उनाई रेंज में स्थित पद्म डूंगरी इको टूरिज्म कैंप साइट को सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री जोन बनाने के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया है। यहां प्लास्टिक के साथ आने वाले लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। चंडीगढ़ में आजादी के अमृत महोत्सव को धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसका आयोजन 6 मार्च से शुरू हो चुका है जो 13 मार्च तक चलेगा। इस कार्यक्रम में अब तक कई मशहूर सिंगर्स अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं। 6 मार्च से खाटू श्याम राजस्थान में खाटू श्याम मेले का आयोजन चल रहा है जो 15 मार्च तक चलेगा। इस मेले में देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इस मेले में सबसे ज्यादा भक्त मध्य प्रदेश से बाबा के दर्शन पूजन के लिए आते हैं। 22 मार्च से श्री बागेश्वर धाम छतरपुर में लीजिए श्री राम कथा का आनंद। श्री बागेश्वर धाम सरकार की उपस्थिति में पद्म विभूषण तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु स्वामी श्री राम भद्राचार्य जी महाराज लोगों को प्रभु श्री राम के सिद्धांतों से कराएंगे अवगत। 30 मार्च तक चलने वाली इस कथा का सीधा प्रसारण आप संस्कार टीवी पर देख सकते हैं। गुजरात के वलसाड तहसील के मगोद डूंगरी गांव में एक ऐसा अनोखा मंदिर है जहां व्हेल मछली की हड्डियों की पूजा होती है। इस मंदिर को मत्स्य माता जी मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण 300 साल पहले मछुआरों ने करवाया था। उज्जैन स्थित चिंतामन गणेश मंदिर में 23 मार्च को चैत्र मास की पहली जत्रा होगी। इस दिन स्थानीय लोगों के साथ साथ देश भर से 50,000 से ज्यादा भक्तों के दर्शन करने का अनुमान है। उत्तराखंड के श्रीनगर में स्थित सिद्धपीठ मां धारी देवी की मूर्ति 6 अप्रैल को पूरे विधि विधान के साथ नए मंदिर में शिफ्ट की जाएगी। चार धाम यात्रा की रक्षक माने जाने वाली सिद्धपीठ धारी देवी का ये नया मंदिर कत्यूरी शैली में बनाया गया है। आपदा के लगभग 8 साल बाद माता को नए मंदिर में स्थापित किया जाएगा। एक तरफ जहां महाशिवरात्रि के मौके पर 12 लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था, तो वहीं दूसरी तरफ अब इन दीपों को इकट्ठा कर कलाकृतियां बनाई जाएंगी, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है। इसके लिए आम जनता से भी राय ली जा रही है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बांग्लादेश के चिट्टागांव में एक ऐसा प्राचीन शिव मंदिर है जहां सालों से धधक रही है अग्नि, जो आस्था और कौतूहल दोनों का विषय बनी हुई है। अग्निकुंड महादेव के इस मंदिर में देश विदेश से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। कोरोना के चलते बीते 2 साल से 4 धाम यात्रा सुचारू रूप से नहीं चली, लेकिन इस साल पहले की तरह यात्रा सुचारू रूप से चलेगी। इसके लिए भक्तों को फोटोमैट्रिक पंजीकरण कराना होगा। अप्रैल में 4 धाम यात्रा टर्मिनल में पंजीकरण केंद्र के शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। मेरठ के पास स्थित हस्तिनापुर को जल्द ही धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ पर खुदाई के दौरान महाभारत काल के कई प्रमाण मिले हैं, जिसे संग्रहालय में संजोया जाएगा। जल्द ही इस पर काम शुरू होगा। 13 मार्च से वृंदावन में लीजिए श्रीमद् भागवत कथा का आनंद। 19 मार्च तक चलने वाली इस कथा में परम पूज्य श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर इंद्रदेव जी सरस्वती महाराज लोगों को श्री हरि की महिमा से कराएंगे अवगत। आप इस कथा का सीधा प्रसारण संस्कार टीवी पर देख सकते हैं। उज्जैन में 3 से 6 मार्च तक स्काई डाइविंग इवेंट का आयोजन किया गया। इसका आयोजन मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की तरफ से एयरक्राफ्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से किया गया। झारखंड के देवघर स्थित बाबा धाम में शीघ्र दर्शनम कूपन अब सीमित संख्या में ही आवंटित किए जाएंगे। मंदिर प्रशासन ने इस बात की जानकारी दी। यहां वीआईपी बुजुर्गों और दिव्यांग भक्तों के कम समय में जलाभिषेक और दर्शन के लिए ये कूपन दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में स्थित 400 साल पुराने भगवान महावीर दिगंबर जिनालय का जीर्णोद्धार किया जाएगा। मंदिर में 2 वेदी और 71 फीट ऊंचे शिखर का निर्माण भी किया जाएगा। 16 मार्च से वृंदावन में लीजिए श्री गिरिराज महिमा कथामृत का आनंद। 21 मार्च तक चलने वाली इस कथा में पूज्य श्री अतुल कृष्ण शास्त्री जी महाराज लोगों को गिरिराज जी की महिमा से करवाएंगे अवगत। आप इस कथा का सीधा प्रसारण सत्संग चैनल पर देख सकते हैं। बिहार के अररिया में स्थित बाबा सुंदर धाम में 15 दिवसीय मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस धाम पर देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी श्रद्धालु भोले बाबा के दर्शन को आते हैं। जल्द ही बाबा सुंदर धाम का सौंदर्यीकरण किया जाएगा।
भगवान पशुपतिनाथ की नगरी मंदसौर में शाही सवारी की तर्ज पर 13 मार्च को खाटू श्याम की विशाल भाग यात्रा निकाली जाएगी। इस उत्सव में श्रद्धालु फूलों के साथ प्राकृतिक रंगों से खेलेंगे होली। तो ये थी धर्म और आध्यात्म जगत से जुड़ी हुई आज की 20 बड़ी गतिविधियां। लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए आप हमें फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपके आसपास कोई भी धार्मिक गतिविधि हो रही है तो उसकी जानकारी आप हमें info@sanskargroup.in पर दे सकते हैं। हम उसे दिखाएंगे भक्ति टॉप 20 में। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।